गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह। और आज गांव से कद्दू की सब्जी आई थी, तो गांव से तो कद्दू की सब्जी बनाते हैं। तो चलिए चाय बना लें, फिर कद्दू की सब्जी बनाते हैं। और फेस से बहुत ही अच्छा लाएं, जिससे आपके पिंपल्स विंपल्स नहीं आएंगे, तो एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। याद अब मम्मी सब चीज़ भेजेंगी वहां से, वैसे लगा लेंगे हम पालक वाला ठंड में। पूरा बेहन पहुंचा देंगे सब चीज का। शिमला मिर्च सब है, शिमला मिर्च भी डलवाते हैं पापा हाँ, शिमला मिर्च हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अपन लोग ना जो ग्रो बैग है ना, ग्रो ग्रो बैग रख लें और गमला रख लें, बस हो गया, सबको हटा दें। अरे सब रहने दीजिए, अपन लगाएंगे ना, गोभी लगाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये सब्जी बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने लहसुन डाला है और जीरा डाला है, बस हो गया। तो ये देखिए सब्जी आराम से हमारे तेल में तल गई है। कोको ही कर लो, ही वो कोई कर दो, ये को है हमारा को भाई। सेठ जी हमारे, सेठ जी बहुत बदली हो गए। नहीं वो उठा पाते हैं अब इसको, पहले जैसे उठा लेते थे हम। हन को को इधर तो रहने को देख लो, को चला गया यार। निकलोगे? आज इसको ठंड लग रही थी, रात में मेरे पास चुपक के सो गया इस साइड आके। तो इस साइड आके कहाँ था वो? इधर आके मेरे पास आके। पहले कहाँ सोए थे? यहाँ पे बीच में उधर के। हाँ बहुत हरामी आ जाते हैं मालूम है, हरामी नंबर वन। मेरे पास आ गया था इधर कोने में, ठंडा गया था ना। तुम मैं उड़ाती हूँ रात में, जग गया, तुम नहीं उड़ाते उसको इसलिए। कोको ठंडा गया था बिट्टू एसी में लग गई। अरे कल क्या हुआ? चमक नहीं रही, दवाई पी रही हूँ। टॉर्च जल रहा है, मेरी गाड़ी बढ़िया चमक रही है, नहीं चमक रही है? अच्छा हाँ ज्यादा धूप में रखना बुखार जाएगा, ज्यादा धूप में बंद जाने में बुखार ना हो जाए उसको, फालतू पैरासीटामोल खवाना पड़ेगा उसको बिना मतलब। तुमको कल रात में फोन लगाने वाले थे कि मेरी गाड़ी सुरक्षित है कि नहीं है, बुखार तो नहीं चढ़ाई मेरी गाड़ी को? पैरासीटामोल रखवाना पड़ेगा, वो बेचारी नाजुक सी गाड़ी, गाड़ी है बिगड़े तुम्हारी गाड़ी धूप में खड़ी है, बाप रे। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज आप फेस के लिए बहुत ही अच्छा मास्क लेके आई हूँ, आपके पिंपल्स बिल्कुल नहीं आएंगे बरसात के दिनों में और गर्मी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेस को सबसे पहले आप क्लीन करके रख लिए, आपके फेस वॉश या बेसन किसी चीज़ से भी फेस को धो लीजिए, और टाइम मिले तो आप शाम टाइम करिए, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बॉल ले लीजिए, और इसमें नॉर्मल से बता रही हूँ कि आप नाइट में क्या रूटीन कर सकते हैं। उसमें आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए अपने फेस के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास मिट्टी वाला है तो और अच्छा है, पाउडर ना हो, मिट्टी जो आती है उसको फुला लीजिए। अपने फेस के अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। ये क्या करता है, जिसके पिंपल्स होते हैं उसके पिंपल्स गायब करता है, क्योंकि ये फेस को सॉफ्ट ही बनाता है और पिंपल्स को सुखा देता है, इसलिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है खासकर, और फेस को धीरे धीरे गोरा भी करने लगता है। तो मुल्तानी मिट्टी हमेशा यूज, और मुल्तानी मिट्टी अधिकतर सभी के घर में पाई जाती है, तो एक बार यूज करके जरूर देखिएगा। और अगर आप मुल्तानी मिट्टी को सुबह शाम, जैसे कि जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं उसके बाद अप्लाई कर लीजिए, फिर रात में सोते टाइम अप्लाई कर लीजिए, दो टाइम करिए, पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक होंगे, धीरे धीरे फेस में शाइनिंग और ग्लो करने लगेगा।
इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल, अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप कच्चे दूध से इसको मिक्स कर सकते हैं, कच्चा दूध नहीं है तो नींबू और पानी से मिक्स कर सकते हैं या फिर दही से कर सकते हैं। तो मेरे पास गुलाब जल है इसलिए मैं इसको गुलाब जल से मिक्स कर रही हूँ। गुलाब जल भी देर टोनर का काम करता है, बहुत ही अच्छा, अपने फेस को बहुत ही अच्छा मुलायम बनाए रखता है। ये देखिए गुलाब जल से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और इसको आपको 10 से 15 मिनट लगा के रखना, बस नॉर्मल सा काम है, बस आप इतना कर सकते हैं, आपका चेहरा इसी में धीरे धीरे साफ होने लगेगा। तो ये देखिए मेरा घोल बन के तैयार हो गया। अगर आप इसको फेस को बहुत जल्दी ग्लो लाना चाहते हैं या किसी शादी पार्टी में जाना चाहते हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी में चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए, उसके बाद फेस में लगा लीजिए, 20 मिनट धो लीजिए, मेकअप करके आप पार्टी में जा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। अगर आप नॉर्मल सा मेकअप भी करेंगे तो इसका जो हल्दी डाला रहेगा उससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये देखिए धीरे धीरे हम मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं। अगर आपके पास मिट्टी रहेगी तो और फ़ायदा करता है, मिट्टी बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। तो आप पाउडर ना लेके मुल्तानी मिट्टी डायरेक्ट ले सकती हैं, ये आपको किसी भी किराना स्टोर में या फिर बाद में जहाँ कॉस्मेटिक सामान मिलता है वहाँ मिट्टी पूछ लीजिएगा एक बार, क्योंकि आजकल मिट्टी जो रखने लगे हैं, पहले मिट्टी इतना नहीं रखते थे बट अब रखते हैं। ये देखिए हमारा लक्के कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन देती हूँ, एक तो आप ना कॉस्मेटिक जो सामान आते हैं या केमिकल जो सामान आते हैं आप उसको यूज मत करिए, अगर आप फेस को परमानेंट या साफ़ सुथरा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आज आप क्रीम लगा रहे हैं फेस आपका बहुत ही साफ रहेगा, पिम्पल्स हट जाएंगे, सब चीज़ होगा, जहाँ आप दवाई छोड़ देंगे तो उसके बाद फिर से पिम्पल्स, फिर से वही क्रीम लगाना पड़ेगा। तो आप नॉर्मली नेचुरल चीज़ को यूज करिए, उससे क्या रहेगा कि एक बार आपका खुद चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा। फिर ये क्या रहता है, जब आपके सीजन चेंज होते हैं जैसे गर्मी से बरसात आई, बरसात से ठंड, इसमें हल्के से पिंपल्स आते हैं वो भी आपके जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आप मत यूज करिए कोई भी केमिकल प्रोडक्ट, आप नेचुरल ही चीज़ों का यूज करिए। आप आटा से फेस धो सकते हैं पर डे, या फिर उसमें बेसन से धो सकते हैं हल्दी डाल के थोड़ा सा, तो आप नॉर्मली इस चीज़ का यूज करिए तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहेगा। मैं आपको ऐसे घरेलू नुस्खे लाएंगी और चलिए फेस धो के फिर आपसे मिलते हैं, देखिए फेस में कैसे शाइनिंग आई है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हल्का हल्का सूख रहा है, ये इस तरह का सूख जाए फिर फेस धो के आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए फेस धो के आ गए हैं तो कितना शाइनिंग कर रहा है, आप यूज करके ज़रूर एक बार देखिएगा। ये देखिए तो फेस कितना क्लीन दिख रहा है। तो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और आप चाहें तो इसके बाद गुलाब जल फेस में लगा के सो सकते हैं या नॉर्मली जाके नॉर्मली सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में ऑलरेडी गुलाब जल हमने मिलाया था। तो चलिए ठीक है, और रात में ही करिएगा, इससे धीरे धीरे आपके पिंपल्स ठीक होने लगेंगे और फेस अच्छा साफ होने लगेगा।